क्यों नहीं मिल सकती मैं समर से? हाँ मुसीबत क्या है आपके साथ? हाँ तो मिलने में प्रॉब्लम ही क्या है? खामोश, तेरी सूर का छापड़ मारूंगी ना तेरा मुंह बंद हो जाएगा, चुप हो जा। लाहौर वाला किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? ये सारी पटलियां इन्होंने पढ़ाई है ना आपको? हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहती हूँ अंदर जाओ, अंदर जाओ। यार वो मान लो यार, पीट लो, लेकिन समझ से मिलने तो मुझे प्लीज। चुप, आगे थे ये लोग, मुझे तुमसे नहीं मिलने दे रहे थे। समय अब कोई रुकावट ही नहीं है हमारी, मैं आजाद हो चुकी हूँ। समय इधर बात, अंदर जाके मार, चल नहीं जाना, जा अंदर। तुम कैसे आए समय? दिलकश ने खाना भेजा था। दिलकश खुद नहीं है? वो क्या करेगी यहाँ पे आके? दिलजोई के लिए तो आ सकती थी, मायरा दोस्त है उसकी। बहरहाल मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं जानती हूँ फैसला करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन समर अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अब हमारे पास वक्त ही वक्त है। अरे ये क्या पट्टियां पढ़ा रही हो इस बेवकूफ लड़के को? अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ चुकी है मौलवी साहब। आपकी बेटी मां बनने वाली है। आज काफी अरसे बाद एक साथ मिल बैठ के खाना खाई है। अबे दिलकश लाओ बेटा, क्या क्या बनाए लाओ। ठीक कह रहे हैं आप, शादी के झमेलों में तो इकट्ठे बैठकर खाना खाने की फुर्सत ही नहीं मिली। आज सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है मैंने, अम्मी से पूछ पूछ के। सच पूछो ना तो एक बेटी की कमी हमेशा से थी मुझे, वो भी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। जीते रहो बेटा। दिलकश बेटा समर को भी बुला लो, उसे कहो खाना लग गया जल्दी से आ जाए। वो घर पे नहीं है अम्मी। बेटा रात के 9 बज रहे हैं, क्या ऑफिस से नहीं आया अभी तक? नहीं नहीं ऑफिस से तो आ गया था, उसने मुझे सलाम भी किया था। आपको तो पता है उसे टाइम बे टाइम सोने की आदत है। दिलकश जाओ जल्दी से बुला के लाओ उसे। नहीं अम्मी वो घर पे नहीं है, माहिरा से मिलने गए। क्या माहिरा के घर और तुमने उसे जाने दिया? ये क्या बेवकूफी है, क्यों नहीं रोका उसे तुमने? इसमें इसका क्या कसूर है, उसको क्यों डांट रही हूँ? अपने बेटे से पूछो। क्यों नहीं डांटू, इसी का तो कसूर है, इसने रोका क्यों नहीं उसको? बीवियां तो अपने शौहर को पल्लू से बांध कर रखती हैं, लेकिन ये इतनी सीधी है कि लगता है इसकी माँ ने कुछ नहीं समझा के भेजा इसे। देखो नजमा, समर हमारा बेटा है, कोई चीज नहीं है कि बांध के रख दिया जाए। वो आता है तो मैं पूछता हूँ उससे क्या तमाशा लगा के रखा उसने। क्या पूछेंगे आप, सुनता किसकी है? अच्छा आप खाना शुरू करें, इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। आओ बेटा बैठो। वो समर आ जाए तो? क्या मतलब, अगर वो नहीं आएगा, अगर उसने खाना खा लिया होगा तो तुम खाना नहीं खाओगी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब थे? जी वो एक दोस्त का फोन आया था, उसे कुछ इमरजेंसी बात करनी थी जरूरी, तो बस वहीं गया था। अच्छा चलो खाना खाओ, बैठो बैठो खाना शुरू करो। जिसके लिए दुनिया की परवाह नहीं की मैंने, अजियतें तकलीफें सही इतनी, आपने मुझे उसी से मिलने से मना कर दिया, आपने मेरी सांसें रोक दी। अम्मा पागल मत बनो, जिसके लिए तुम इतना मरी जा रही हो उसे देख के तो ये ऐसा नहीं लगता कि वो भी तुम्हें अपनाने के लिए
इतना ही पागल हो रहे? हो ही नहीं सकता। समय मेरे सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर उसे मेरी परवाह ना होती ना, तो वो कभी भी हॉस्पिटल या घर में मुझसे मिलने ना आता, मुझे देखने ना आता। ऐसा तुम्हें लगता है, बल्कि सच तो कुछ और है। मेरा दिमाग पड़ता जा रहा है अम्मा। इससे पहले ना मुझे सच सच बताया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या प्लानिंग है आपके दिमाग में, पता है? नहीं बता रही ना? ठीक है, मैं समर से खुद ही पूछ लेती हूँ। अरे सब्र करो, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जिससे जी चाहे बात कर लेना, जिससे जी चाहे फोन करना। ऐसी क्या बात है? बोले। तुम मां बनने वाली। खाना कैसा लगा समर आपको? वो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार। पर देखकर ताज्जुब हुआ कि तुमने इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें कैसे बना ली। थक गई होगी ना? नहीं, जब किसी के लिए इतने दिल से खाना बनाया जाए तो थकन का एहसास नहीं होता। ऐसा भी होता है? आप माहिरा के साथ खाना खाने के लिए गए थे ना, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैं एक्चुअली खाना उसे देकर आ गया। देकर आ गए? वो मैं तो चाहता था खा लूं उसके साथ, लेकिन हालात ऐसे नहीं बने कि देकर आ गया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? कुछ छुपा नहीं रहा, वो दरअसल मौलाना साहब थे घर में। अब उनकी मौजूदगी में मायरा के साथ बैठ के खाना ठीक नहीं लगा, इसलिए आ गया। समझ सकती हूँ। वैसे मायरा ठीक तो है ना? हाँ, बेहतर है, बहुत बेहतर। चाय बना के लाती हूँ मैं आपके लिए। कमाल है, दो सेकंड और ये नहीं कहती तो मैं कहने वाला था। तुम क्या मेरे दिल में क्या चल रहा है सुन लेती हो? देख ले, मैं तो आपके दिल का हाल जान लेती हूँ, लेकिन आप अपने दिल की बातें छुपा लेते हैं मुझसे। मेरी बच्ची, इधर बैठो, बैठो इधर। क्या हो गया तुम्हें, होश करो। देखो बेटा, ये कुदरत का फैसला है और तुम्हें मानना पड़ेगा। फैसला, फैसला, फैसला। बाबा, हालात, तकलीफें, इन्होंने तो आज तो फैसला किया मेरा। मुझे मेरी जिंदगी में कोई हक नहीं फैसला करने का। मायरा, औरत को फैसला करने की इजाजत नहीं। तेरा शिकवा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं है, नहीं है इसकी इजाजत। अम्मा सही नहीं हो रहा मेरे साथ, इसका बच्चा पहुंचती रहूंगी पूरी जिंदगी। क्या मैं, मेरी अपनी कोई साथी खुशी नहीं है क्या? कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या? अम्मा मैं क्यों, मैं क्यों हमेशा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मुझे मेरी खुशियाँ क्यों नहीं मिलती अम्मा? मैं अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं लगती, वो मंजिल मुझसे दूर क्यों हो जाती है?
क्यों हमेशा माँ? देख बेटा, बच्चा हो जाएगा ना तो तू अपने फैसले करने के लिए आजाद हो जाएगी। मैं तो आजाद हो जाऊंगी अब्बू। लेकिन समर, मैं किसी और का बच्चा कबूल करेगा क्या? हाँ, मुझे पता है। चुप हो जा। क्या बात है, ऐसे चुप चुप क्यों खड़े हो? उदास हो? नहीं। तो फिर इस खामोशी की क्या वजह है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही दिल कर रहा था बाहर अकेले आके जरा खड़े होने का, तो इसलिए आ गया। दिलकश, बिल्कुल भी इरादा नहीं था तुम्हें दुखी करने का, बिल्कुल भी नहीं। इरादतन कौन किसी को दुखी करता है समर? बीवी हूं मैं तुम्हारी, और बीवी से पहले तुम्हारी दोस्त हूं। दोस्त से भी छुपाओगे उदासी का सबक? क्या देख रहे हो? लकीर है, नसीब की लकीर है। अब तो ना दिल को यकीन हुआ जा रहा है कि इनमें उसका और मेरा साथ लिखा ही नहीं है, है ही नहीं। क्या बात है समर, ये बात हुई है? क्या कहा है माहिरा ने? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, हमारा वक्त ही ठीक नहीं है। तुम दिल छोटा मत करो, मोहब्बत करने वालों को तो कई इम्तिहानों में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना तो वो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी में जरूर आ जाएगी। कमाल है, इतना यकीन तो मुझे मेरी किस्मत पे नहीं है जितना यकीन तुम्हें मेरी किस्मत मेरी मोहब्बत पे है। चलो देखते हैं ये किस्मत कहां लेकर जाती है। फिलहाल चलो अंदर चलते हैं। चलो देखो क्या है, गौर से देखो। तुम्हारा हाथ है और क्या देखो? और इसमें भी नहीं है ना? अरे यार कुछ नहीं है, क्या देखो? नहीं ढूंढ सके ना, मैं भी नहीं ढूंढ सकी। मेरे हाथों की लकीरों पे कहीं समर लिखा है क्या? जान मुझे कभी नहीं लगे जितना आज लग रहे हो समर। तुम मुझे पहचानते भी हो कि नहीं? समर मैं मायरा हूं, तुम्हारी मायरा। बस इतनी सी मोहब्बत थी। मायरा मैं
तुम गलत समझ रही हो। मैं बस मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बस मुझे तो लगा था कि ये दो दिलों की मोहब्बत है, लेकिन लेकिन ये तो सिर्फ गर्ज की मोहताज थी बस। मायरा ऐसा नहीं है, मोहब्बत करता हूँ तुमसे और शायद हमेशा करता रहूंगा, लेकिन लेकिन जिंदगी के जिस मरहले से तुम गुजर रही हो उसमें हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। देखो हमें इंतजार करना होगा और मैं आज तुम्हें यही बताने आया था। बस यही कहने आए थे हाँ, या जताने आए थे कि मायरा मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन पास नहीं। हाँ मायरा, जिंदगी की जिस आजमाइश से तुम गुजर रही हो जब तक गुजर नहीं लेती, जब तक ये खत्म नहीं हो लेती, हम दोबारा मिलेंगे भी नहीं। यही समझाने आया था, अब देर हो रही है, मैं चलता हूं। क्या बात है, से तो पूछा ही नहीं कि मैं इतने दिन कैसे रह पाऊंगी, मैं जी भी पाऊंगी कि मर जाऊंगी। हाँ कह के चल रही है बस कि देर हो गई है, मैं मेरी तरफ देखो एक बार, समझ इतनी देर नहीं हुई है, प्लीज एक बार सोच लो बस प्लीज। मायरा तुम अपना ख्याल रखो, चलता हूँ। समर गया? चला गया। फिर कब आएगा? 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद क्या कह रहा था? यही बात हुई। क्या बात कही उसने? यही कि सारी आजमाइशों से फारिग हो जाओ तुम्हें मिल लेना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझसे मिलेगा कि भी नहीं, और अगर मिलेगा तो क्या कहेगा वो, क्या तू वही मारा? यार से के बाबू मुझे याद भी रखेगा कि नहीं, ये भी नहीं पता मुझे तो। क्यों नहीं रखेगा? मोहब्बत करता है तुमसे। मोहब्बत देखी उसकी मोहब्बत मैंने और उसकी मोहब्बत की खोट भी। तो फिर अब? तो फिर अब क्या, रहूंगी इन आजमाइशों के साथ? सुनूंगी अब्बा की बातें और आपकी गालियां, मियां की ठोकरें खाने के बाद इतना तो अंदाजा लगा लिया मैंने अम्मा कि आप दोनों की मोहब्बत खोट नहीं है। गालियां देंगे, जरीर करेंगे, बातें सुनाएंगे, लेकिन बेघर नहीं करेंगे। अरे आप कब आए? दरवाजे पे दस्तक की आवाज ही नहीं आई। हाँ दरवाजा खुला था और खुले दरवाजे से तो कोई भी अंदर आ सकता है, मैं भी चला आया। समर आया था जी और तुमने उसे आने दिया जी। आखिर क्यों?
जो ख्वाब तुम माँ बेटी देख रही हो, क्या तुम नहीं जानती कि वो कभी हकीकत नहीं बन सकता? मुझे ये बताओ कि आखिर किस हैसियत से समर ने इस घर के दरवाजे की दहलीज पार की? इसलिए कि अब मायरा भी जान गई है कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है, और समर को इसलिए आने दिया ताकि मायरा ये हकीकत जान ले कि अब ये वो समर नहीं है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। अपनी जल्दबाजी से इस लड़की ने अपना बसा बसाया घर उजाड़ के रख दिया। वजाहत उसे 3 तलाकें दे चुका है। अगर जरा भी गुंजाइश होती तो मैं उन लोगों के पांव पड़ जाता और माफी मांग लेता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मौलवी साहब, आप बस उनसे ये कहिए कि मायरा के बच्चे की परवरिश में वो मायरा की मदद करे। ठीक है, इत्तला मैं करवा दूंगा आसिम साहब, उनका हक भी है, लेकिन इससे बढ़कर कुछ नहीं। अल्लाह हमारी मदद करे। मिलाया हूँ मैं मायरा से, पर अब नहीं जाऊंगा मिलने। क्या कह रहे हो? कभी कह रहे हैं कि मिलाए हैं उसे और फिर कह रहे हैं कि दोबारा नहीं मिलेंगे, क्या मतलब? दिलकश, उससे मिलना ना मतलब अब सिर्फ तकलीफ का बाइस बनेगा और कुछ नहीं। आप इतनी उलझी उलझी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, मायरा ने कुछ कहा है? हाँ कहा है। कहती है मेरी मोहब्बत में खोट है। मोहब्बत में खोट नहीं होती समर, एक मोहब्बत ही तो है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, और जिसमें खोट हो वो मोहब्बत नहीं होती। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं मायरा से मोहब्बत नहीं करता था? मैंने ये तो नहीं कहा, ये मतलब नहीं था मेरा। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये था कि जो जज्बा मेरे दिल में उसके लिए था वो कुछ और था, मोहब्बत नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी समर कि मोहब्बत में खोट नहीं होती। महबूब जैसा हो, जो भी हो, बस वही महबूब होता है और कुछ नहीं, चाहे आप उससे मिले चाहे ना मिले। तुम्हें यह बात कैसे समझाऊं कि मामला शायद अब मोहब्बत में खोट का है ही नहीं, मामला तो किसी तीसरे की आमद का है। वो तीसरा तो कब से मौजूद है तुम दोनों की जिंदगी में? नई बात तो नहीं। जो तुम समझ रही हो मैं वो नहीं कह रहा था। आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, मैं वाकई नहीं समझी। अजीब बात यह है दिलकश के मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं।
दिलकश कहीं जा रही हो? जी अम्मी, मैं आपसे इजाजत लेने आ रही थी, मैं माहिरा के घर चली जाऊं। माहिरा के घर? बेटा वहां तुम्हारा क्या काम? अम्मी दोस्त है वो मेरी, और इस वक्त मुश्किल में भी है। इस वक्त मुश्किल में तो हम भी हैं, वो झुझुरी तलाक लेकर घर जो आकर बैठ गई है। मैं जाऊं अम्मी? तुम जाना चाह रही हो? अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन जाकर उसे असलियत बता देना कि अब इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे। अब इस घर की बहू तुम हो, समर के ख्वाब ना देखे वो, इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती वो। मैं उसको असलियत बताने नहीं जा रही हूँ। तो फिर क्या करने जा रही हूँ? मैं तो इस मामले को हल करने जा रही हूँ जो बहुत दिनों से मेरे और समर के बीच चल रहा है, जिसको ना वो समझा पा रहे हैं और ना ही मैं समझ पा रही हूँ उन्हें, और मैं जाने बगैर रह भी नहीं सकती। दिलकश सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ उन्हें, कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने माहिरा और समर के बीच मोहब्बत की बजाय दूरियाँ पैदा करती हैं। अच्छा ये बात है, तो बेटा ये तो अच्छी बात है, ये टंटा खुद ही खत्म हुआ। हमें मायरा और समर का रिश्ता अगर ऐसे ही खत्म हो जाना होता तो उसी वक्त हो जाता जब मायरा का निकाह हुआ था, या फिर तब जब समर ने मुझसे शादी की थी। आप इजाजत देना मुझे, हमें मैं वापस आके आपसे बात करूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना, और बेटा शाम से पहले घर लौट आना। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं उसे कह तो आया हूं कि मेरा इंतजार करो, लेकिन इतने इंतजार के बाद क्या ये सब कुछ ठीक हो पाएगा पहले जैसा? लेकिन वो बच्चा उस वजाहत की औलाद है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर माहिरा, उसने तो इतना सब कुछ सहा है, और अब जब उसे मेरे साथ की जरूरत है तो नहीं, ये गलत होगा। जी सर, जिनसे आपकी मीटिंग थी वो लोग आ चुके हैं। कौन सी मीटिंग? सर जिनसे आपने आज मीटिंग रखी थी। आप उनसे कह दो मेरी तरफ से माजरत है, मैं आज मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन सर वो तो मैंने आपसे कहा ना, आज नहीं मिल सकता मैं, उनसे कही कल मिलेंगे, तो वे ठीक नहीं है मेरी। जी सर ठीक है, आप उनको हॉल में बिठाइए, उनसे कहिए मैं। ओके सर। वो पहले जैसा नहीं रहा दिलकश, वो बदल गया है। जब आखिर बार वो आके गया तो वो मेरा समर नहीं था, मेरा समर जब देखता था ना तो उसकी आंखें बोलती थी कि उससे ज्यादा मुझे कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। जब हाथ थामता था तो छोड़ता ही नहीं था, जब पास आता था तो हक जताता था,
मुंह मोड़ो तो हाथ से पकड़कर अपनी तरफ कर लेता था, लेकिन ये समर वो समर नहीं था। ना प्यार से देखा, ना हक जताया, ना हाथ थामा। दुलकश, जिस समर के खाते मैंने इतना कुछ सहा, मुझे तो वो समर मिला ही नहीं। वो ही समर है जो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है। पास नहीं तो क्या हुआ, और ये फासले मोहब्बत बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। फासले इख्तियार होते ही तब जब मोहब्बत घट जाए। कोई राह पे अकेले चल निकले तो दूसरा रोके भी तो कैसे। एक फूल, एक गलती, एक गलती हमारे बीच सदियों के फासले ले आई है दिलकश, जो अब कभी नहीं मिट सकते, कभी भी नहीं। कैसी गलती, कौन सी भूल, मुझे बताओ माहिरा। मां बनने वाली, मैं वजाहत के बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं समर से वो वादा नहीं निभा पाई जो मैंने उससे किया था, इससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं क्या करूं, ऐसी भूल जो समय के दिल से मेरी मोहब्बत भुलाने के लिए काफी है। दिकश, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मैं तुम्हें बता रही हूं। प्लीज उसे मेरे पास ले, प्लीज उसे मेरे पास ले, प्लीज। मैं हार जाऊंगी, प्लीज उसे मेरे पास ले, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपको, यहाँ क्यों खड़े हो ऐसे? तुम अकेले आए? ऑफिस से आ रहा हूँ, जाहिर है अकेला ही आऊंगा। वो दिलकश। क्या हुआ दिलकश को? दिलकश, वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है, फिर कहाँ है? माहिरा की तरफ गई है। उसके घर क्यों गई है? यही सवाल मैंने भी किया था उससे, तो पता क्या कहने लगी? एक गुत्थी है तुम दोनों के बीच में, वो सुलझाने जा रही हूं। समर, मुझे सच सच बताओ, असल बात क्या है? कौन सी बात? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, दोनों सहेलियां हैं, ऐसी उसका हाल पूछने चली गई होगी। आप ही ना खामखा में सोचने लग जाती हैं। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बात कुछ नहीं है, बस आपको आदत है परेशान होने की। वो वहां से आएगी, मुझसे पूछ लूंगा, अगर ऐसी वैसी कोई बात होगी मैं खुद बताऊंगा आपको। आराम करे ना, यहाँ क्यों ऐसे चाहे? कुछ ना कुछ तो है। अरे कुछ नहीं है बाबा। क्या मायरा ये बात जान चुकी है कि मेरी और दिलकश की शादी हो चुकी है? क्या पता चल गया है उसे?
कोई राह पे अकेले चल निकले तो दूसरा रोके भी तो कैसे कैसे? एक भूल, एक गलती, एक गलती हमारे भी सभीों के पास ले आई है दिलकश, जो अब कभी नहीं मिट सकते, कभी भी नहीं। क्या मोहब्बत वाकई किसी कच्चे धागे जैसी होती कि जरा बल आ जाए और टूट जाए, फिर कभी ना जुड़ने के लिए? क्या समर और मायरा की मोहब्बत भी कच्चे धागे जैसी थी? क्या मिला मायरा को इतनी कोशिशों इतनी कुर्बानियों के बाद? क्यों रह गई वो खाली हाथ? आखिर क्यों? अगर वो जान चुकी है कि मेरा और दिलकश का रिश्ता क्या है तो क्या गुजरी होगी उस पर? क्या मिलेगा दिलकश तुम्हें ये सब करके? दिलकश ने मायरा को सब बताया है या नहीं?